तो उत्तराखंड में 70 सीटों पर मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चलिए अब आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। सभी सीटों पर एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों में 632 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इनमें से 5 विधानसभा सीटें जो कि हॉट सीट हैं, उनमें खटीमा है, लाल कुआ है, हरिद्वार है, श्रीनगर है और चकराता की सीट शामिल है। तो 2017 की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव में भाजपा ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थी। हरिद्वार जिले की बात करते हैं तो यहां पर 11 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 3 सीटों पर जीत हासिल की जबकि 8 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि सियासी संग्राम के लिए बहुत जरूरी है आपका जानना। इसको लेकर देखिए 2017 का भी समीकरण आपको बता रहे हैं और अब बात कर लेते हैं प्रदेश के समीकरणों के साथ ही उन सीटों की जिन पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। उत्तराखंड की राजनीति में मैदानी क्षेत्र के 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बड़ी भूमिका होती है। उत्तराखंड के मैदानी इलाके की सबसे हॉट सीट खटीमा विधानसभा सीट है क्योंकि उधम सिंह नगर जिले की सीट से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में हैं। वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं जिनका मुकाबला कांग्रेस के भुवन कापड़ी से है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने भुवन कापड़ी को 2709 वोटों से हरा दिया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार खटीमा से चुनावी मैदान में है और ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या रहता है, उनका रैंक, नतीजे क्या रहते हैं क्योंकि यहां पर कांग्रेस के भुवन कापड़ी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि कल तो वोटिंग होने वाली है लेकिन हम ये भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि टक्कर किसके बीच है, खटीमा हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है, माहौल क्या है वोटिंग से पहले खटीमा में? बिल्कुल जया, देखिए माहौल अभी बिल्कुल दोनों ही पार्टियों के बारे में अगर बात की जाए तो दोनों ही कड़ाके की एक यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खटीमा से उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी हैं और दोनों ही दिग्गजों के बीच में टक्कर मानी जा रही है। और अगर ओवरऑल की बात करें तो कल उत्तराखंड में मतदान होना है और तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं उनकी कल उनकी किस्मत पेटियों में बंद हो जाएगी, आखिरकार किस तरीके की रहती है। अगर बात करें श्रीनगर सीट की बात करें तो गणेश गोदियाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं और उनके सामने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है। और अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार सीट से मदन कौशिक हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने सतपाल ब्रह्मचारी हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो खटीमा से उनके सामने भुवन कापड़ी है। तो तमाम ये ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। आखिरकार क्या नतीजे होंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मतदान से ठीक पहले जीत का दावा तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बात करी तो मुख्यमंत्री खुद आश्वस्त हैं कि इस बार बड़े वो मतों से वो इस बार अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने वाले हैं और जल्द ही भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनने वाली है। कल मतदान होना है और जया ये भी बता दूं कि कल बीत गया है, चुनाव प्रचार उत्तराखंड में थम गया है। अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर अलग अलग जगहों पर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। कुछ गिने चुने लोग जरूर रहेंगे क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और कोविड के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो जितने भी ये पार्टी के दिग्गज हैं, चाहे प्रीतम सिंह हो, धन सिंह रावत हो, मदन कौशिक हो, सतपाल ब्रह्मचारी हो या पार्टी के तमाम वरिष्ठ जो हॉट सीट बनी हुई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हरीश रावत की सीट है लालकुआ में किस तरीके के समीकरण रहते हैं। हालांकि सभी नेता जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन कल मतदान होना है, सबके भविष्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा और 10 मार्च को जब पिटारा खुलेगा आखिरकार किसके खाते में जीत जाती है, किसके खाते में हार होती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम पार्टी के नेता जो ये हॉट सीट है इन पर बिल्कुल इनकी साख दांव पर लगी हुई है। और देखिए चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है और अब तो चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब कल जनता बोलेगी और किसके किस्मत पर दांव इस बार लगाती है जनता, ये भी देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।